वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम ब्यूटी और सिंगिंग दोनों की साथ साथ बात करेंगे। सैटरडे है, वीकेंड होता है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा लाइटर मूड हो और सुबह सुबह अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल जाए, तो उससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। आज हमें इन सिंगर ने ज्वाइन किया है, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक में जाकर भी बहुत ज़बरदस्त शोहरत हासिल की है, बड़ा अच्छा काम भी किया है। हमें ज्वाइन किया है फराज भट्ट ने, और जो कि एक बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, आप उनको देख चुके हैं बड़े कॉम्पिटिशन में और जी टी वी सारे गामा पा, और ये विनर भी हैं जैज़ म्यूजिक आइकन के। इनको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फराज। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी ब्यूटी थेरेपिस्ट है महविश खान, और इनका जो हर्बल ट्रीटमेंट्स में भी एक्सपर्ट है, इनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा फयाज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में जाके बड़े ज़बरदस्त काम किया, एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस काफ़ी, एक इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल वहाँ पे जितने भी चैनल्स थे उनके साथ एक कम्युनिकेशन हुई, और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम किया। इसके अलावा मिडल ईस्ट के भी चैनल्स में, उसमें वहाँ पर भी काम किया, दुबई और एमिरेट्स वगैरह वहाँ पर भी। इसके अलावा यूएसए वगैरह वहाँ पे भी परफॉर्मेंस की। हाँ, जी एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से कि हर जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर करना चाहिए, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक या किसी तरह की भी एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेशन करवानी चाहिए। तो फराज, आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट आपके साथ रही? ऑब्वियसली पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और मेरे पूरी फैमिली बल्कि मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन कभी वो थोड़ा बहुत मुझे कहते भी हैं कि मजीद इसमें कोई वेरिएशंस होनी चाहिए। हाँ। मैं भी करता रहता हूँ अपनी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता रहता हूँ, प्रैक्टिकल करके उसको देखता रहता हूँ कि यार ये सही लग रहा है कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंटली वो सही लग रहा है कि नहीं। तो आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? आजकल एक पाकिस्तान का नेशनल सॉन्ग एक रिसेंटली किया था रिलीज 14th August पे, लेकिन अभी 23rd March के हवाले से भी प्लान कर रहे हैं, और सूफी म्यूजिक को थोड़ा सा उसमें भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नई जिद्दत के साथ पेश किया जाए और साथ थोड़ा सा मॉडर्न, जो कि मॉडर्निज्म को भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एक वो बैकवर्ड सा म्यूजिक फील ना हो, बल्कि सुनने वाले को एक नई सी उसमें फील पैदा हो। लवली फराज, हम आपसे डेफिनेटली भी कुछ सुनेंगे। मैं महविश आपकी जानिब आऊंगी, आप बताएं कि आपका जो ये ब्यूटी थेरेपिस्ट वाली एक कह लें प्रोफेशन ही है डेफिनेटली, इसके हवाले से लोगों को क्या बताएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगी कि ये आई जस्ट केम फ्रॉम साउथ कोरिया, तो उधर से जो है टोटल स्किन केयर सोल्यूशन उन्होंने बनाया है, लाइक उसके विदाउट साइड इफेक्ट्स, और बहुत उसके ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं स्किन पर आपकी। तो आपको एक कम्प्लीट टोटल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको एक कम्प्लीट केयर भी मिलती है, और उसके इफेक्ट्स ऐसे हैं जैसे एंटी रिंकल, एंटी एजिंग, वाइटनिंग, वो इन्होंने पूरा एक डाल दिया एम्प्यूल में, लाइक कि आपको किसी मॉइस्चराइजर की और टोनर और फेशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कैसा है कि अगर आप ट्वाइस अ डे और वंस अ डे यूज़ इट, तो इसके रिजल्ट ऐसे पड़ते हैं, जैसे एक मशीन है उसके थ्रू कैप्लीकेटर, एक होम केयर सिस्टम है, लाइक यू कैन यूज़ इट एट होम ईजिली, और बाकायदा आप अगर सलोन्स पे भी जाएं तो वो उससे बचत हो जाती है फेशियल लेने से और चीज़ों से। तो ऐसी लेडीज़ जो बाहर नहीं निकलना चाहती या कुछ हो, तो वो टोटल घर में भी उसका इजीली अवेलेबल इन मार्केट, नॉट राइट नाउ बट सून इंशाल्लाह इट विल बी अवेलेबल। तो बाकी इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको, इसको करते कैसे हैं इसका थोड़ा बहुत ईजी सा है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि ये जस्ट एक फुल कम्पैक्ट किस्म की मशीन है, स्मॉल पॉकेट साइज, इसको आप जो है just do it on your face like spray karenge aap just like this mist ki tarah aapke chehre pe ye padta hai like this aur ye iske baad aap wash makeup ke upar bhi aap isko kar sakte hain yes oh very nice iska zabardast ek cheez ye hai ki makeup ke upar aap kar sakte ho the ladies they are very conscious about their so, makeup men can also use it yeah they can raz aap it has aise kuch iska basics benefit mujhe thoda sa kindly gents ke hawale se same thing hai like gents ko bhi jo anti wrinkle anti aging और वाइटनिंग और पोर मिनिमाइजिंग इसके लॉट ऑफ फंक्शन है, इवन आपका फेस के लिए, फेस के लिए नहीं ऑन स्किन एक्चुअली, मतलब झुर्रियां तो हर जगह ही पड़ती है वो जा रहे हैं कि सारा यू कैन यूज इट इवन ऑन योर हेड हेयर, तो आप कर सकते हो
تو اس کا ہیئر فال بھی اس سے رکتا ہے. اس کی تو آج کل بہت ساری خواتین کو ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, مین کو اسپیشلی. ہاں ہیئر فال مزید بھی ہم اس کے ایڈوانٹیجز پہ بات کریں گے. فراز آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ہم آپ سے گانا نہ سنیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک گانا ہے یادا, آپ سے اگر وہ فرمائش کرتے ہیں تو سنا. لولی لولی لولی, زبردست فیاض. اچھا فیاض, آپ نے انڈیا میں پرفارم کیا اور وہاں پر جو ججز ہیں دے آر لیجنڈز, تو ان کے حوالے سے بتائیں وہ کتنا ایکسپیرینس. ایکچولی ایز اے ہیومن بینگ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت, یعنی کہ آرٹسٹ تو ہوتے سینسٹیو, تو وہ کیونکہ اسی ماحول میں رہتے ہیں, وہاں کے جو زیادہ پریکٹس میں رہتے ہیں تو وہ زیادہ کلوز ٹو ہوتے ہیں لوگوں کے نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں,
اس لیے وہ زیادہ اچھا ہم ایسا میوزک بناتے ہیں جو کہ ہم جلدی سے اپیل کرتے ہیں اس کی طرف. بالکل بالکل. تو بیسیکلی کافی ایسے ہونے چاہیے فیکٹرز پرسنالٹی میں جو کہ یہاں پہ بھی ہیں ایسے میوزیشینز. ایسے ساؤنڈ سسٹم میں آپ کو فرق لگتا ہے تھوڑا یا ساؤنڈ؟ آبویسلی بالی ووڈ جو ساؤنڈ ہے وہ ذرا فرق بہت بڑی ہے. میوزک چاہے بالی ووڈ کی اپنی بات کی جائے یا اوور آل وہاں پر بہت. اور سلمان خان تو آپ کا گانا سنتے ہوئے رو بھی پڑے تھے. سلمان خان سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی جہاں پہ سیٹ تھی تو سب لوگ مل رہے تھے تو وہ ایسے بیٹھ کے مل رہے تھے. جب میں گیا تو وہ کھڑے ہو کے ملے تو میں نے کہا کہ آ سر آپ بیٹھے. نہیں نہیں میں تمہیں کھڑے ہو کے ملوں. بہرحال ان کا وہ انہوں نے جس طرح سے رسپیکٹ کیا جس طرح سے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں تو جتنا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ دیں گے آپ کو اتنی ہی رسپیکٹ ملے گی. تو بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں وہاں پہ میں ان سے ملا, عامر خان سے ملا, پھر ابھیشیک بچن سے ملا. کافی ایسی پرسنالٹیز جو کہ یعنی کہ ہر ایک فرق فرق پھول جیسے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے آرٹسٹ موجود ہیں. لیکن تھوڑی سی مجھے جو کمی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو چاہیے ایز اے ٹول کے انٹرٹینمنٹ کا جو فیکٹر ہے جو سیکٹر ہے نا وہ بہت اس میں لوگ بہت کم کام ہوا ہوا ہے تو اگر زیادہ اس میں بھی ورکنگ کریں. نو ڈاؤٹ اب موویز پہ ورکنگ تو شروع کی ہے انہوں نے, اچھی موویز کچھ بن رہی ہیں, لیکن کچھ اس طرح کے چینلز بھی ہونے چاہیے جو اسپیسیفکلی دنیا والوں نے اب شروع کیا ہے. کچھ ایسے ایونٹس اپنے چینلز پہ شروع کیے ہیں, ایسے پروگرامس شروع کیے ہیں جیسے ہونے بھی چاہیے. لوگوں کو یہ جو ہے کانفیڈنٹ بھی کرتا ہے. اور جی بالکل. اچھا مہوش میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہربل چیزوں سے ٹریٹمنٹ کس طرح کتنا افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ سم ٹائمز لوگ بلیو کرتے ہیں کہ تھوڑا سلو ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ کنسسٹنٹ اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ گریجولی ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ پہ اس کا جو ہے ود آؤٹ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے تو اٹ از گڈ ٹو یوز. اچھی چیز ہے یہ جو ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے ساؤتھ کوریا کا ایگزیکٹلی یہ اسٹیم سیل کلچر میڈیا ہے. صحیح. تو اٹس فارم آف اے ہربل ٹو اور تھوڑا سا سائنس سے ریلیٹڈ بھی ہے. اور اس وقت جو ہے یہ 20-30 کنٹریز میں جا رہا ہے اس کا سارا, اور 7 کنٹریز میں آلریڈی اوپن بھی ہو چکا ہے. تو اب لوگوں کو یہاں بھی اویئرنیس ہوگی کہ کیسے یوز کرنا ہے. میرا گلا دراصل تھوڑا سا خراب ہے آج. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں بھی آپ سے آپ مزید بھی ڈسکشن کریں گے. فراز وہ گانا جو آپ نے سلمان خان کو سنایا تھا اگر تھوڑا سا لائیو گنگنا دیں ہمارے لیے. میں نے ویسے تو کافی وہاں پہ سانگس پرفارم کیے تھے لیکن کچھ ایسے بھی سانگس تھے جو کو وہ سن کے تو کافی وہ ایموشنل سے ہو گئے تھے. اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے صوفی کلام پرفارم کیا تھا اور وہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی, یعنی کہ وہ انہوں نے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا. وہ ہے علی فلا چمبیدی بوٹی, وہ اگر میں تھوڑا سا پرفارم کر دوں. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لا نفی اسبات دا پانی ملے آ تے ہر رگے ہر جائے اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلا پر آئی زبردست. فراز ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے آج کل کی انڈسٹری میں بھی, اور جب ہم بات کرتے ہیں فورمز کی پلیٹ فارمز کی
अब नई यूथ के लिए आपको लगता है आपके टाइम में और अब जो जनरेशन आगे आ रही है इनके लिए कितना अपॉर्चुनिटीज वेरी करती हैं? आई थिंक देयर सम कंडीशंस बिटवीन यहाँ के लोग अगर अपने आप को एज एन आर्ट के हवाले से खुद से ही प्रमोट करना चाहिए इंसान को, अपनी सेंसिटिविटीज को बढ़ाना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जो दिखा रहे हैं या जो सुना रहे हैं सिर्फ उसी पे अमल करें, ये बल्कि कोई थीरी भी है अगर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि आई हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन और म्यूजिक में भी मैंने एमए किया है, तो नाउ आई एम डूइंग एमफिल। सो मैं इसको इंटेलिजेंटली देखता हूँ कि म्यूजिक से हम एक रेवोल्यूशन भी लाते हैं, सोसाइटी चेंज होती है, तो हमारे जो आर्ट है हमारा कल्चर है उसको ज़्यादा ग्रैस्प करना चाहिए और उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो लोग में फिर वो एक नई उमंग पैदा होती है, नया मैसेज थ्रो होता है। इंडियंस जो है या इंटरनेशनली अगर हॉलीवुड में भी देखें तो उनके जितने भी मोस्टली प्रेजेंटेशंस होती हैं वो इसी पे फोकस करती हैं, और यहाँ की जो ऑडियंस है जनता के लिए मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंटली चीज़ों को परसीव किया करें, और म्यूज़िक अगर कोई कर रहे हैं तो उसको इंटेलिजेंटली अच्छा म्यूज़िक करें, ना कि इस तरह का म्यूज़िक जो कि ज़हनी टॉर्चर उस तरह का, तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पसंद होगा। तो म्यूज़िकलिटी हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गाते हैं, आपके प्रैक्टिकल काम में भी वो सुर होने चाहिए। रिदम जो होता है ना वो कहते हैं कि जिंदगी में होता है, एग्जैक्टली वो पूरी दुनिया कायनात वो रिदम में है, तो वो अगर इंसान के अंदर भी वो रिदम हो और सुर हो तो वो कोई भी काम करे, अगर सपोज दैट यही जो डिस्प्ले में किया हुआ है ये भी एक आर्ट इससे छलक रहा है, तो ये बेसिकली आर्ट की बहुत सी फॉर्म्स हैं, जैसे फाइन आर्ट, एग्जैक्टली वो सबसे डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म है। कि जो पेंटिंग है हम देख सकते हैं, आर्किटेक्चर स्कल्पचर वगैरह हम उसको टच कर सकते हैं, म्यूजिक को जस्ट सुनेंगे तो उसका इम्प्लीमेंट होगा, तो इट्स अ वेरी सॉलिड आर्ट फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, हम फराज से गाना सुनेंगे और मैं आपसे इजाजत ले लेती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि फराज के गाने के बाद मैं अपनी आवाज सुनाऊँ आपको किसी भी सूरत में, तो बेहतर होगा कि हम इजाजत लेते हैं। थैंक यू वेरी मच मेविस, बहुत शुक्रिया आपके आने का। फराज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारी तरफ से मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज, और फराज से करेंगे फरमाइश। सच ना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, सच ना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, यादा सतादिया दिल नूरवादिया, जीना सदा दस की करा निंदराना दिया, सच ना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, सच ना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। कर दूर उदासी मेरे मोड़ दिहासे, हुण सो गए तारे तेरा पुछ पुछ सारे, कितों लभ के लियावा तेन सचिन प्यारे, हर जाइयावे ना तू सतावे, जीना सदा दस के करा निंदराना, सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा।
ਕਰਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਨਾ।